आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव। देखिए दिवाली का त्यौहार है, हम होडल शहर के अंदर है, मेन बाजार लक्की स्वीट्स के पास, जो कि एक जानी मानी दुकान है। अब ये देख लेते हैं दिवाली पर किस तरीके से मिठाइयां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दिवाली के त्यौहार पर मिठाइयों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। कहते हैं कि नकली माल, असली माल, मतलब इस तरीके की चीज़ें आ जाती है। हम सीधे तौर पर दुकानदारों से जानना चाहेंगे और मिठाई वाले डिब्बे की कीमत अलग से होगी। देखिए इस तरीके की चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, हम जान लेते हैं। भाई साहब आप यहाँ के इंचार्ज? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम आपका? नाम बता दो। राम कुमार गोयल। राम कुमार जी, एक तो ये बताएं कि जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आप बाहर आ जाएं, थोड़ा आपसे बात करेंगे। चलिए देखिए, हमने इसलिए दुकानदार से पूछ लिया जिससे कि त्यौहार का टाइम है, कोई आदमी ये ना सोचे कि जबरदस्ती कोई चीज करने आ गए हमसे। सर सबसे पहला सवाल ये बताएं कि देखिए पूरे देश में जी नकली मिठाइयां ज्यादा बिकती हैं दिवाली के त्यौहार पर जी, लकी हलवाई कैसे गुणवत्ता मैनेज करता है मिठाइयों की? देखो जी, एक तो लेबर ज़्यादा लगा के रखते हैं हम त्योहारों के टाइम पे जी, और फ्रेश मिठाई होती है, इसी वजह से लेबर ज़्यादा लगाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा होती है वो। नहीं, सवाल ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई मिठाई खरीदी आपसे जी, एक तो मुझे कैसे पता चले कि फ्रेश मिठाई है जैसा आप कह रहे हैं, दूसरा वो कितने दिन बाद ख़राब हो जाएगी ये बताएं आप। वो एक तो मैन्युफैक्चरिंग डेट हम डाल के रखते हैं उस पर, त्योहार की वजह से वो मैनेज नहीं हो पा रहा है जी, और खराब जो है दो तीन दिन में ख़राब होने लगती है। नहीं, कैसे पता चलेगा कि खराब मिठाई है? खराब होने से पहले उसमें फफूंदी आती है, फफूंदी आने के बाद वो ख़राब होने लगती है फिर वो। अच्छा सर जी, एक चीज़ और है कि सैंपल, कई दुकानदार सैंपल जब फूड इंस्पेक्टर आते हैं सैंपल लेते हैं तो उसको परेशानी जाहिर करते हैं वो लोग अपनी, क्या सैंपल लेना ठीक है? समय समय लेते हैं सैंपल लेना ठीक है, इससे जो है दुकानदारों पर जो मिलावटी लोग हैं उन पर अंकुश लगा रहता है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है सैंपल लेना। तो स्वास्थ्य के साथ जो लोग मिलावट का खिलवाड़ करते हैं उसको कुछ कड़ा संदेश देना चाहेंगे आप? वो यही है कि खाने पीने की चीज़ें हैं, आपके खुद के बच्चे भी खाते होंगे। तरीके से आप लोग तैयार हैं और किस किस तरीके की मिठाइयाँ हैं, और प्रमुख मिठाई कौन सी सबसे ज़्यादा बिक रही है होटल क्षेत्र में? देखो जी, प्रमुख मिठाई सबसे ज़्यादा बर्फी बिकती है, बर्फी और मिल्क केक दो मिठाई जो है प्रमुख है, ये तो सबसे ज़्यादा बिकती है, बाकी और थोड़ी थोड़ी कम बिकती हैं तो इन्हीं पर ज़्यादा फोकस होता है। कोशिश ये होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक इसका लाभ ले सके। लकी स्वीट से कोई वो भी कर रखा है, कोई डिस्काउंट चला रखा है दिवाली पे कोई खास? नहीं नहीं, डिस्काउंट कुछ नहीं है जी, मतलब पहले से ज़्यादा पैसे ले रहे हो क्या? नहीं, रेट वही है, हम कभी रेट नहीं बढ़ाते। अच्छा। रेट हमारे रनिंग रेट जो होते हैं वही होते हैं। चलिए, अच्छा आपका कहाँ माल बन रहा है, हम वो देख सकते हैं क्या आपके साथ? माल हमारा गोदाम थोड़ा दूर है, दूर है। चलिए मैं ये मिठाइयाँ दिखा देता हूँ। अच्छा, कोई आपको आपत्ति तो नहीं, आपका ये कार्यक्रम हमने किया है? नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं। एक बार ऐसा हो जाता है कि कह देते हैं यार मीडिया वाले परेशान करने आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हम सवाल इसलिए कैमरे पर आपसे पूछ रहे हैं जिससे कि लोगों को पता चल सके। हाँ ठीक, नहीं ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए हम ये दिखा देते हैं और फिर दोबारा से हम गोयल साहब से बात कराएंगे हम आपकी। देखिए उन्होंने कहा कि हम मिठाइयाँ मैनेज करते हैं, मिठाइयाँ ढक करके रखते हैं। मैं आपको दिखाने का काम इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चल सके। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें। हेलो, दिवाली का त्यौहार है, लोगों से कुछ अपील करना चाहूँगा? मैं सभी नगरवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसको सौहार्द से बहुत बढ़िया तरीके से मनाएं, शांतिपूर्वक, बहुत बढ़िया दिवाली जो है रहेगी अब की बार, बहुत अच्छा रहेगा। कोई नहीं, किसी ग्राहक से पूछ लें आप? कैसे ग्राहक हमारे ये सबसे पुराने ग्राहक है। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा समंदर सिंह। कब से मिठाई ले रहे हैं लकी स्वीट से आप लोग? भाई साहब याद ही नहीं कब से ले रहे, बचपन से ले रहे हैं। बचपन से ले रहे। तो कैसी मिठाइयाँ इनकी और क्वालिटी कैसी है? जब आपके अंदर लग जाए बचपन से मिठाई खा रहे हैं तो मिठाई का स्वाद कैसा होगा, स्वाद छोड़ दुकान को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं।
और रेट इनके कैसे होते हैं? रेट तो वाजिब ही होते हैं, बिल्कुल रेट वाजिब होते हैं। चलिए सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं आप, और देखिए हमने कोशिश की है कि दिखाने की, हम हर शहर में स्वाद हरियाणा कार्यक्रम है हमारा, और दिवाली के त्यौहार पर हमने, आपने फरीदाबाद में हमारी खबरें देखी होंगी, पलवल में देखी होंगी, और आज हम होटल पहुँचे हैं, इसलिए तो आप देख भी रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए फिर भी मिठाइयाँ खरीदते समय सावधानी जरूर बरतते हैं, क्योंकि आज मिलावट का दौर है। मिलावट का दौर का मतलब है कि ज़्यादातर कई जगह नकली सामान मिलता है, तो आप देखें, जांचें, परखें, और अपनी जानी पहचानी दुकान से आप सामान लें, जिससे कि आपका विश्वास और आपको नकली चीज़ों से बच सके। आप सभी सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। बाहर से धन्यवाद।